हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। सीमेंट 2023 इज नाउ ओवर। स्लॉट वन स्लॉट टू दोनों खत्म हो चुके हैं। अभी वी आर गोइंग टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो सेक्शन वाइज लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर स्लॉट वन एंड टू, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ आर गोइंग टू वेरी अ लॉट इन टू ऑफ दी इन दीज टू स्लॉट्स, क्योंकि स्लॉट टू कंपेरेटिवली डिफिकल्ट आया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर एकेडमी, डू कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। वी प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू हेल्प यू ज्वाइन योर ड्रीम बी स्कूल। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दैट यू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। द टेलीग्राम चैनल इज अ गुड सोर्स टू डिस्कस वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड वॉट वॉज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। So you can join on the link in the description and participate in the discussion of CMAT which was conducted today. ठीक है, वहां पे आपको CET का भी डिस्कशन आप कर सकते हैं। CET एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 6th of May, 2 दिन बाद। ठीक है, कमिंग टू ओवरव्यू, ओवरऑल एनालिसिस अगर ऊपर ऊपर से हम देखें तो क्या रहेगा। तो डेफिनेटली स्लॉट वन स्लॉट टू से तो ईजी था। ठीक है, मेनली बिकॉज QA सेक्शन डिफिकल्ट आया था एंड लेंथी था स्लॉट टू में, एंड GK वॉज डिफिकल्ट इन स्लॉट टू। ठीक है, GK वॉज डिफिकल्ट इन स्लॉट टू, नॉट इन स्लॉट वन। ठीक है, मेजोरिटी अगर हम देखेंगे स्लॉट टू में लेवल ऑफ डिफिकल्टी कौन सेक्शन की ज्यादा इसलिए थी क्योंकि DI के क्वेश्चंस कम थे। हमने हमेशा देखा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन इन CMAT इज वेरी इजी। स्लॉट वन में 5 क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, स्लॉट टू में एक ही क्वेश्चन था। सो विच मेंट 4 मोर क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच वर लेंदी एंड वर ऑल्सो डिफिकल्ट। देर वॉज दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं है बट स्टूडेंट्स आर सेइंग कि वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। टुमारो वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो इन विच वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन सीमैट एग्जाम। उससे एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा आप लोगों को कि भाई कैसा एग्जाम था, एंड आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, GK सेक्शन वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। बोथ द सेक्शंस बोथ द स्लॉट्स हैड अ गुड नंबर ऑफ वेटेज ऑन स्टैटिक GK। ये तो दोनों स्लॉट में कंसिस्टेंट था कि यार स्टैटिक GK ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, एंड बट GK सेक्शन ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। स्लॉट वन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा थे, इसके वजह से वो स्लॉट थोड़ा सा इजी हो गया था। स्लॉट टू में वो कम थे, इसके वजह से स्लॉट टू में GK भी स्टूडेंट्स को जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट गया। देन डेफिनेटली मार्क्स वर्सेस परसेंटेज इट इज एक्सपेक्टेड टू गो लो इन स्लॉट टू। ठीक है, देर आर मोर एरर्स इन स्लॉट वन देन इन स्लॉट टू। ठीक है ना, स्लॉट वन में वहां पे अभी तक हमको 4 क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो चुके हैं। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक सिलॉजिज्म का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन एंड एक रेंज वाला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो स्लॉट वन में रॉन्ग थे। स्लॉट टू में नंबर ऑफ क्वेश्चन विच वर रॉन्ग वर लेस, एंड उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो इज को बोल्ड नहीं किया था या आइटलाइज नहीं किया था, दैट वाज वन ऑफ द थिंग। एंड दूसरा, कार्पेडियम की स्पेलिंग गलत कर दी थी, बट उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है अब। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे भी लिखा है, क्वांटिटेटिव एंड LR में एंड LR सेक्शन में अगर क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो इट अफेक्ट्स अ लॉट, विच वॉज द केस इन स्लॉट वन। बट इन स्लॉट टू वर्बल सेक्शन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह थी विच डिड नॉट अफेक्ट अ लॉट इन वेस्टिंग द टाइम ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बोथ द सेक्शन हैड मोर क्वेश्चन ऑन स्टैटिक GK, वो तो हमको पता ही है। मूविंग फॉरवर्ड, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कंपेरेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखते हैं। तो स्लॉट टू का जो QA सेक्शन, इट वॉज मॉडरेटली डिफिकल्ट। ऑन द अदर हैंड इट वॉज ईजी टू मॉडरेट इन स्लॉट वन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, DI इन CMAT एग्जाम इज वेरी इजी, एंड स्लॉट वन में टेबल्स के ऊपर DI आया था, वो बहुत ही इजी था एंड देर आर 5 क्वेश्चन ऑन इट। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था DI। ठीक है, LR सेक्शन दोनों स्लॉट्स में कंपेरेटिवली इजी ही था,
ठीक है, देर वर सिक्स क्वेश्चंस ऑन वर्बल रीजनिंग इन स्लॉट वन एंड ओनली फोर क्वेश्चंस ऑन वर्बल रीजनिंग इन स्लॉट टू। ठीक है, वर्बल सेक्शन कंपैरेटिवली इजी दोनों इसमें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाज इजी इन स्लॉट वन एंड इजी टू मॉडरेट इन स्लॉट टू। तो जो डिफरेंस बना है स्लॉट वन एंड स्लॉट टू में, इट इज बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों सेक्शंस में इजी ही था। मूविंग फॉरवर्ड, अभी व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, जो 2022 का एग्जाम हुआ था, 2022 का एग्जाम वाज वेरी इजी। स्लॉट वन वाज इजियर देन दैट एंड स्लॉट टू वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट देन 2022 का एग्जाम। तो कंपैरेटिवली अगर हम कट ऑफ देखें, तो कट ऑफ की बात करें तो 2022 में 99.5% वर एट 303 मार्क्स। वी आर एक्सपेक्टिंग स्लॉट वन में वो इंक्रीज हो जाए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो स्लॉट वन में इंक्रीज हो जाए एंड स्लॉट टू में इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेस। ठीक है ना, वो आप हर स्लॉट में देखोगे। बट अभी इससे नाराज नहीं होना है आपको, डेफिनेटली देर इज गोइंग टू बी अ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। एज सुन एज वी कम टू नो अबाउट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलोड, वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड यू विल बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, बट डेफिनेटली अगर आपका दोस्त स्लॉट वन में है एंड उसको ज्यादा स्कोर आ रहा है ना, क्योंकि आंसर की आ जाएगी कल तक, तो डेफिनेटली हम भी अपलोड कर देंगे आंसर की। तो आपके स्लॉट वन वाले फ्रेंड का ज्यादा स्कोर आ रहा है, आप नाराज होके बैठ गए कि नहीं यार मेरा तो कम स्कोर आ रहा है, अभी कैसे होगा। तो डोंट वरी, देयर इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइजेशन। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप स्लॉट वन में रहो या स्लॉट टू में रहो, आपका स्कोर आपका परसेंटाइल बराबर मैच करेगा। सो दैट इज व्हाट द नॉर्मलाइजेशन डज। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन बोथ द स्लॉट्स। इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन 2022 का एग्जाम। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। टुमारो वी विल बी मेकिंग अ वीडियो वेयर इन वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर की और डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड मेकिंग श्योर कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।